अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फौजिया फूड एंड ट्रैवल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है दही बूंदी की रेसिपी। और जैसा कि रमज़ान जो है वो माशाल्लाह से उसकी आमद आमद है, तो उसकी वजह से जो है मैं इसकी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी। दही बूंदी जो है वो हमारे घरों में रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और इसके लिए जो है हम बाज़ार से परचेज़ करते हैं जो कि गैर मियारी भी होती हैं और जो अच्छे तेल भी उसमें यूज़ नहीं किया जाता। तो इसकी जो है ये हम बनाने का मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ, हम घर में ही बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये देखिए मेरे पास यहाँ पे बेसन है, और इसके अंदर जो मैं वो ऐड कर रही हूँ वो है हाफ स्पून के जितना यहाँ पर है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, और साथ में है हाफ चम्मच ये मेरे पास है बेकिंग सोडा, और उसके बाद है यहाँ पे नमक। और इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हैंड बीटर के साथ पानी डाल के, और इसका जो हमने स्मूथ सा बैटर जो है वो तैयार कर लेना है। और इसे हमने हैंड बीटर के साथ बहुत जो है वो इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर जो है वो लम्स बिल्कुल भी ना रहे और ये स्मूथ सा जो है वो टेक्सचर हमारे पास आ जाए। और कंसिस्टेंसी हमने जो है वो इसकी थोड़ी पतली ही रखनी है। बैटर जो था वो सारे का सारा मैंने इस केचप वाली बोतल के अंदर डाल दिया है, और ये ऑलमोस्ट हमारे सभी घरों के अंदर जो यूज़ होने वाली बॉटल्स हैं। और अब हम इसको इस तरह जो है इसके अंदर डालते जाएंगे, और ये हमारी जो है वो बूंदियाँ रेडी होती जाएंगी। दही बूंदी की रेसिपी जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है, और बाकी जो थे वो मैंने जिप लॉक में डाल के इनको फ्रीज भी कर लेना है। और ये बहुत इजी भी हैं और आसान भी हैं, आप इसको अपने घर में बनाइएगा और रमज़ान में जो इसको इंजॉय भी कीजिएगा। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी मेरी रेसिपीज़ को। प्लीज़ ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।